हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे आप, फ्रैंकलिन रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन में रिएजेंट जो है आपके रिएजेंट की बात करें तो आप ले सकते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ जिंक। और मीडियम की बात करें अपन, तब सॉल्वेंट की बात, सॉल्वेंट में लिया जाता है ड्राई इथर। क्या लिया जाता है? ड्राई इथर। ड्राई इथर के दो यूज होते हैं यहाँ पर, एक तो फ्री रेडिकल मुक्त मूलक जनरेट करवाता है और दूसरा जिंक को मॉइस्चराइज रखता करता है, जिंक को मॉइस्चर रखेगा। क्लियर? रिएक्शन देखिएगा इसके, जैसे अपन बात करते हैं कि एल्किल हैलाइड, जैसे आपने लिया C2H5Br प्लस जिंक प्लस Br C2H5 फॉरवर्ड रिएक्शन ड्राई इथर की प्रेजेंस में, यहां से जिंक और Br2 और C2H5 सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है ZnBr2। ओके, यहाँ पे ये क्या हो गया? सिमेट्रिकल एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन। ओके, तो अपन कह सकते हैं फ्रैंकलिन रिएक्शन जो है वो सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन करता है। ऐसे अपन बात करें कि एक कंपाउंड लेते हैं Cl, CH2, 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 Cl, यहाँ पर जिंक की प्रेजेंस में, जिंक की रिएक्शन ड्राई इथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ से ZnCl2 प्लस साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है कि डाई क्लोराइड लिया गया है, तो आप कह सकते हैं 1, 2, 3, तो 1, 3 डाई क्लोरो प्रोपेन। ये हैलाइड है, डाई हैलाइड लिया गया है, इसकी रिएक्शन जिंक के साथ करवा रहे हैं, तो यहाँ पर एक साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन मिलता है, साइक्लोप्रोपेन। ओके, साइक्लोप्रोपेन यहाँ पर मिलता है। ओके, कुछ की पॉइंट्स हैं फ्रैंकलिन रिएक्शन के। फर्स्ट अपन कह सकते हैं कि इससे सममित सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है, सिमेट्रिकल एल्केन बनते हैं। सेकंड आप कह सकते हैं कि फ्रैंकलिन रिएक्शन जो है वो सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन, सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन। ओके, वुड्स रिएक्शन के समान होती है। ओके, यहां पर
ईथर को यूज में लिया जा रहा है, देखिएगा, जिसके दो फंक्शन है, एक ये फ्री रेडिकल क्रिएट करवाता है और दूसरा जिंक को मॉइस्चराइज रखता है। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन अपन देखते हैं, कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस रिएक्शन में क्या बात आ जाएगी बेटा? कोरे हाउस रिएक्शन भी एल्केन के फॉर्मेशन का ही एक मेथड होता है। इसमें देखिएगा मेनली क्या होता है, एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, एल्किल हैलाइड और लिथियम मेटल लिया जाता है। क्या लिया जाता है? लिथियम मेटल लिया जाता है। इसी में कॉपर आयोडाइड लिया जाता है। क्या लिया जाता है? कॉपर आयोडाइड लिया जाता है। ठीक है, देखिएगा रिएक्शन क्या होगी। रिएक्शन अपन कह सकते हैं आर एक्स प्लस दो मोल लिथियम मॉलिक्यूल या लिथियम मेटल, इसकी रिएक्शन करवाते हैं आपस में तो आपको मिल जाता है एल्किल लिथियम। क्या मिलता है? एल्किल लिथियम प्लस लिथियम हैलाइड, ये रिलीज हो जाता है। सेकेंड स्टेप में जो एल्किल लिथियम बना है उसको कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं जिससे डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये क्या आ गया आपके? डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट, डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट प्लस लिथियम आयोडाइड रिलीज हो जाता है। ओके, लिथियम आयोडाइड रिलीज हो जाएगा। इसके बाद थर्ड स्टेप में जब भी अपन बात करते हैं तो जो डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट बना है उसकी रिएक्शन नेक्स्ट मोल अगले मोल एल्किल हैलाइड के साथ ट्रीट करवा देते हैं जिससे अनसिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। लिथियम जो है वो एल्किल लिथियम बनाता है और कॉपर हैलाइड वापस बन जाता है, कॉपर हैलाइड बनता है। ठीक है, कॉपर हैलाइड बन जाता है। क्लियर। तो अब अपन कह सकते हैं यहां पर कि इसको जैसे ही आप रिएक्ट करवाते हैं लिथियम एल्किल लिथियम के साथ तो वापस ये रिएक्शन चलती रहती है। ओके, तो यहां पर एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब डिपेंड करता है कि एल्किल ग्रुप सेम लिया है या डिफरेंट लिया है। तो आप कह सकते हैं इससे कि कोरे हाउस रिएक्शन में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों रिएक्शन या दोनों एल्केन, इस रिएक्शन में दोनों एल्केन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो अपन कह सकते हैं सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्केन आर फॉर्म्ड बाय
कोरेहाउस रिएक्शन, बाय कोरेहाउस रिएक्शन। ओके, अब अपन कह सकते हैं सममित और असममित दोनों प्रकार के एल्केन का फॉर्मेशन किया जा सकता है कोरे हाउस रिएक्शन से। ओके, जबकि एक नोट पॉइंट आप यहां पर देख सकते हैं कि वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन से ओनली सिमेट्रिकल एल्केन ही फॉर्म्ड कर सकते हैं। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन है आपके डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के डी कार्बोक्सिलेशन से भी आप एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं आप CH3 COOH, इसकी रिएक्शन NaOH और CaO के साथ हीट करवाने पर आपको CH4 प्लस Na2 CO3 मिलता है। ओके, अब देखिएगा यहां पर सोडा लाइम, इसको बोला जाता है NaOH प्लस CaO का जो मिक्सचर है उसको सोडा लाइम कहा जाता है। जब भी सोडा लाइम की रिएक्शन करवाई जाती है तो यहां पर CO2 का निष्कासन होता है, CO2 का निष्कासन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है आपके यहां पर कोलबे विद्युत अपघटन, आप ले सकते हैं क्या कोलबे इलेक्ट्रो लाइसिस, कोलबे इलेक्ट्रो लाइसिस मतलब कोलबे विद्युत अपघटन विधि द्वारा भी आप एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें देखिएगा क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराते हैं तो आपको एल्केन और CO2 मिलता है। एल्केन और CO2 एनोड पर मिलेगा और NaOH और हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पर मिलती है। जैसे अपन बात करते हैं कि सोडियम और पोटेशियम लवण ले आप, जैसे RCOO के प्लस HOH, ऐसे ही आप बात कर सकते हैं कि दूसरा मोल लें RCOO के प्लस HOH, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा लिया आपने, इलेक्ट्रो लाइसिस। ओके, क्या मिलेगा आपको, एल्केन मिलेगा 2 मोल, CO2 मिलेगा 2 मोल, KOH मिलेगा प्लस
हाइड्रोजन गैस, तो अपन कह सकते हैं कि एल्केन और CO2 तो कहाँ मिलेंगे, एनोड इलेक्ट्रोड पर, और KOH और H2 मिलेगा आपको कैथोड इलेक्ट्रोड पर, एनोड और कैथोड। ओके, फिर देखिएगा इसका मैकेनिज्म अपन देख सकते हैं। तो मैकेनिज्म के लिए बात करें नेक्स्ट, मैकेनिज्म हो जाएगा यहां पर, जैसे आपने लिया RC डबल बॉन्ड O माइनस और K प्लस, जैसे ही इसको विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये जो है वो RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस K प्लस में अपघटित हो जाते हैं। यहां पर देखिएगा इसको कार्बोक्सिलेट आयन कह सकते, हो जाएगा ये कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो एनोड पर, एट एनोड, एनोड पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल प्लस वन इलेक्ट्रॉन। ओके, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहां से जैसे ही इसको हीट किया जाता है तो यहां से बॉन्ड क्लीवेज होगा और CO2 गैस रिलीज हो जाती है, और क्या बनेगा, एल्किल फ्री रेडिकल प्लस CO2। ये तो क्या हो गया, एल्किल फ्री रेडिकल और ये CO2। एल्किल फ्री रेडिकल का डाइमराइजेशन होता है, क्या होता है, डाइमराइजेशन, द्विलकीकरण, और ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता, क्या बन जाएगा यहां पर, एल्केन बन जाता। ओके, फिर जैसे अपन बात करते हैं, ये तो एनोड का प्रोसेस हो गया पूरा। अब यहां पर एथोड पर बात करें अपन, कि पोटेशियम आयन जो है वो एट कैथोड, एट कैथोड, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है यहां से, ये इलेक्ट्रॉन मिल जाता है वन इलेक्ट्रॉन, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na में, प्लस HOH यहां से NaOH का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लस हाफ H2 गैस। यहां पर देखिएगा pH का जो मान है सॉल्यूशन में वो बढ़ जाता है, या यूं कह सकते हैं pH इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो बेसिक मीडियम बन जाता है,
बेसिक मीडियम। क्लियर? तो अपन कह सकते हैं कि कैथोड पर NaOH या यू कहें KOH, आपने यहां पे लिया है K प्लस, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? K में। KOH बन, तो बेसिक मीडियम इंक्रीज हो जाता। ओके तो ये आपके कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस जो है उसका मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। क्लियर? देखिएगा कुछ आप इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अपन बात करें एट एनोड और एट कैथोड, ओके, एनोड पर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, यहां से फ्री रेडिकल तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आर माइनस प्लस सीओ टू, फिर आर माइनस वन इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, क्या हो जाता है? फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल प्लस फ्री रेडिकल सॉल्यूशन में काफी सारे प्रिपेयर होते हैं, बनते हैं, जिससे आर आर फ्री रेडिकल मोर रिएक्टिव स्पीसीज होने की वजह से फास्ट रिएक्ट कर एल्केन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एट कैथोड पर के प्लस प्लस एच ओ एच, ये क्या बना लेगा? KOH प्लस एच प्लस, और एच प्लस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और एच फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। एच फ्री रेडिकल प्लस एच फ्री रेडिकल एच टू हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते, ये इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं यहां से, जैसे सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एन ए ओ एच और विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, तो पॉसिबल प्रोडक्ट बताने, पॉसिबल प्रोडक्ट। तो देखिएगा यहां पर पॉसिबल प्रोडक्ट जो है वो फाइव पॉसिबल प्रोडक्ट मिलते हैं। फर्स्ट हो जाएगा आपके सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, जब यहां से एल्केन से डाइमराइजेशन होगा पहला प्रोडक्ट, सेकेंड प्रोडक्ट सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, एथीन बनेगा,
फोर प्रोडक्ट एल्केन समानुपातन रिएक्शन है, एथेन एथेन का फॉर्मेशन हो जाता है और थ्री, ये थ्री है और ये फोर, फोर प्रोडक्ट जो है वो सी एस थ्री सी एस टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एस टू सी एस थ्री, ये मिनिमम अमाउंट में बनते हैं, मिनिमम लेस अमाउंट होगा इनका, बहुत ही रियर केस में इनका फॉर्मेशन होता है। ये देखिए ये भी मिनिमम अमाउंट में बनेगा। ओके, यहां पर मेजर प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट ब्यूटेन बनता है। ओके, नेक्स्ट कुछ रिडक्शन रिएक्शंस और हैं, जैसे रेड फॉस्फोरस और एच आई के साथ यदि रिएक्शन करवाई जाती है, अपचयन पीछे अपन ने देखा था कि एल्किन और एल्काइन और एल्किल हैलाइड के रिडक्शन से रिएक्शंस को देखा है। अब यहाँ पे रिडक्शन है आपके फर्स्ट रेड फॉस्फोरस प्लस एच आई की प्रेजेंस में, सेकेंड क्लीमेंशन अपचयन, क्लीमेंशन अपचयन, फिर है वॉल्फ किशनर क्लीमेंशन अपचयन के बाद आता है क्लीमेंशन के बाद है आपके थर्ड वॉल्फ किशनर रिडक्शन, वॉल्फ किशनर अपचयन, वॉल्फ किशनर अपचयन। देखिएगा यहां पर जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट रहेगा कि फर्स्ट रेड फॉस्फोरस के साथ, रेड फॉस्फोरस जो है वो एल्कोहल को एल्डिहाइड को एल्डिहाइड एल्डिहाइड और कीटोन और एसिड एंड एल्किल हैलाइड सभी को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, रेड फॉस्फोरस और एच आई डेल्हीट सभी को किस में कन्वर्ट करता है, डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। ओके,
यहां पर देखिएगा N इज इक्वल टू C, जितने कार्बन रिएक्टेंट में होंगे उतने ही कार्बन प्रोडक्ट में होंगे, यहां पर कार्बन में कोई चेंजेज नहीं होता। कार्बन में कोई चेंजेज नहीं होगा। सेकेंड अपन बात करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन की, एल्डिहाइड और कीटोन जो है उसको क्लेमेंशन अपचेन जो है, क्लेमेंशन अपचेन होता है आपके ZnHg प्लस HCl, ZnHg अम्लगम HCl की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा। और यहां पर भी क्या रहता है, N इज इक्वल टू C, तो N इज इक्वल टू C, मतलब कार्बन नंबर सेम रहेंगे। क्लियर, ये है आपके क्लीमेंशन। क्लीमेंशन क्लीमेंशन रिडक्शन, ओके। नेक्स्ट थर्ड है आपके एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, ये है आपके वुल्फ किशनर NH2 NH2, ओके। और बेस शार्क को काम में लिया जाता है, जैसे OH- हो सकता है KOH के रूप में, NaOH- के रूप में, और C2H5O- एथोक्साइड, ये बेस होंगे। ये है आपके वॉल्फ किस्नर रिडक्शन, वॉल्फ किस्नर रिडक्शन। वोल्फ किशनर रिडक्शन से भी आप एल्डिहाइड और कीटोन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्केन में। और यहां पर भी सेम कार्बन रहेंगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में। क्लियर, कुछ एग्जांपल्स देखें यहां पर, जैसे CH3 CH2 OH, फॉरवर्ड रिएक्शन रेड फॉस्फोरस और HI, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पर, एथेन, क्योंकि कंप्लीट क्या कर रहा है ये, एल्कोहल को रिड्यूस कर एल्केन बना रहा है। ऐसे ही अपन बात करते हैं CH3 CHO की, और यहां पर लिया जाए ZnHg और HCl, तो भी ये क्या करेगा, CO ग्रुप को CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। इसमें क्या होता है, वुल्फ किस्नर और क्लेमेंशन में हमेशा ध्यान रखना, CO ग्रुप को क्लीमेंशन रिडक्शन और वुल्फ किस्नर रिडक्शन, ये किस में कन्वर्ट करते हैं, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप को मिथाइलीन ग्रुप में
मिथाइलिन ग्रुप में चेंज करते हैं। ओके, जैसे कुछ एग्जांपल और ले अपन, इसकी रिएक्शन करवाई आपने NH2 NH2 O- के साथ, तो ये साइक्लो हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है, साइक्लो हेक्सेन में एल्केन बन जाएगा ना, CH2 में ये कन्वर्ट हो जाता है CO2। क्लियर? ऐसे ही अपन बात करते हैं CH3 CH2 COOH, इसकी रिएक्शन करवाएं रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ, तो यहां पर प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं हम अपन। की पॉइंट्स इसमें देखिएगा, फर्स्ट की पॉइंट आता है रेड फॉस्फोरस और HI के संदर्भ में, रेड फॉस्फोरस और HI के संदर्भ में अपन बात करते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि लाल फॉस्फोरस जो है, लाल फॉस्फोरस का उपयोग क्रिया के मध्य बनने वाले आयोडीन के लिए किया जाता है, क्योंकि फॉस्फोरस की अनुपस्थिति में आयोडीन जो है वो एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन कर लेती है, उसे रोकने के लिए, उसे ब्लॉक करने के लिए क्या किया जाता है, रेड फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है। देखिएगा, लाल फॉस्फोरस का यूज जो है वो आयोडीन के लिए किया जाता है, आई के लिए किया जाता है, जैसे 2 फॉस्फोरस प्लस 3 I2 फॉरवर्ड रिएक्शन 2 PI3। यदि ऐसा नहीं होगा, इसको कवर नहीं किया जाएगा, तो देखिएगा क्या रिएक्शन होगी, RH+I2, तो ये रिएक्ट कर जाएगा और एल्किल आयोडाइड प्लस HI बना ले, एल्किल आयोडाइड बन जाएगा, एल्केन ना बन। ओके, सेकंड बात आती है क्लीमेंशन अपचेन की। क्लीमेंशन अपचेन जो है वो कीटोनिक कीटोनिक ग्रुप का ही रिडक्शन करता है, क्योंकि एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड की सक्रियता अधिक होती है, रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी अधिक हो जाती है, क्रियाशीलता अधिक हो जाती है, इस कारण जो HCl से चक्रीय बहुलक भी बन जाते हैं, जो HCl है वहां पर ये चक्रीय बहुलकों का निर्माण कर लेता है और एल्केन की लब्धि घट जाती है, जब एल्डिहाइड के केस में बात करते हैं। ठीक है क्या? तो यहां पर एल्केन का जो अमाउंट होता है वो कम मिल पाता, बल्कि कीटोनिक में क्या होता है, स्टेरिक इनहेरिटेंस होता है और वैसे ही रिएक्टिविटी कम हो जाती है, जिसके कारण यहां से बनाया गया एल्केन जो है बुल्प किस्नर में एल्केन कीटोनिक ग्रुप से मोर अमाउंट में मिलता है। ओके, मोर अमाउंट में मिल जाता है। फिर तीसरा की पॉइंट अपन देखते हैं कि जिंक की उपस्थिति में अपचयन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अपचयन कहलाता है। जब जिंक लिया जाता है कि
परजेंस में बात करें, जिंक की परजेंस में बात करें, तो जो रिडक्शन आप करवा रहे हैं, जो भी रिडक्शन होगा वो कौन सा रिडक्शन होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, रिडक्शन होगा। कौन सा रिडक्शन होगा बच्चा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिडक्शन। ओके, और नेक्स्ट बात करते हैं वुल्फ किशनर। वुल्फ किशनर, वुल्फ किशनर में अपन कह सकते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनने की उत्तम विधि है। तो आप कह सकते हैं वुल्फ किशनर जो रिएक्शन है या रिडक्शन है, इससे आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से ही हाई अमाउंट में, हाई अमाउंट में उच्च मात्रा में क्या बना सकते हैं? एल्केन बना सकते। तो ये क्या मानी जाती है? उत्तम विधि, बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड हो जाएगा। ओके, किसके लिए? वुल्फ किशनर जो रिडक्शन है वो एल्केन बनाने के लिए बेस्ट मेथड। क्लियर क्या? ओके।